छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान जारी, अब तक 28,732 स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जा चुका टीका। लघु वनोपजों के सरकारी खरीद के मामले में देश भर में अव्वल आया छत्तीसगढ़, अकेले 73% वनोपज खरीदा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य परेड में प्रदर्शित होंगी 32 झांकियां, छत्तीसगढ़ की झांकी भी रहेगी आकर्षण का केंद्र। और देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान जारी है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के 6 सत्रों में अब तक 28,732 स्वास्थ्यकर्मियों को महामारी से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के 97 केंद्रों पर टीकाकरण का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बीते 6 दिनों में 45,071 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगवाने के लिए बुलाया गया था, उनमें से 63% लोगों को यह टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण सप्ताह के 4 दिनों में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक 15,82,201 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में 1,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी थमती नजर आ रही है। पिछले 48 घंटों में नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 से कम मिला है। बीते 24 घंटों में 377 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 518 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,87,677 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के 14,849 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर देश भर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या 1,06,00,000 से अधिक हो चुकी है। लघु वनोपज की सरकारी खरीद के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बन गया है। देश का 73% वनोपज खरीद कर छत्तीसगढ़ राज्य में खरीदी का नया कीर्तिमान बना है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहाँ 52 प्रकार के लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इस प्रणाली से वनवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने लघु वनोपज की खरीद के साथ ही अब इनके वैल्यू एडिशन की दिशा में तेजी से काम शुरू किया है। राज्य में वनांचल परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना कर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक 15 उद्यमियों ने वनांचल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनोपज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ करार किया है। इससे 75 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य परेड में इस बार 32 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। राजपथ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17, मंत्रालयों और विभागों की 9 एवं सेना की 6 झांकियां देखने को मिलेंगी। इनमें परंपरागत आदिवासी वाद्य यंत्रों पर आधारित छत्तीसगढ़ की झांकी भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर कुल 32 झांकियां देखी जा सकेंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियां, मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां, जबकि सेना की 6 झांकियां होंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में लद्दाख, गुजरात, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इन झांकियों का हिस्सा बन कलाकार काफी उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, ऊपर से इतना मेहनत किया है, बहुत दिनों से ये मेहनत चालू है, राजपथ पे भी जाके हम प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही खुशी और प्राउड फील भी है कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अपना करेंगे।
इज द परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट टाइम आई वांट बी द ऑनरेबल वन टीम आई जस्ट आई वांट थैंक यू फॉर एवरीवन। मंत्रालय और विभागों की झांकियों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, गृह मंत्रालय, आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय में CPWD, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की झांकी देखी जा सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की झांकी में मेहनत को सम्मान, अधिकार एक समान दिखाया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपनी एक झांकी प्रस्तुत कर रहा है, उसका थीम है मेहनत को सम्मान, अधिकार एक समान। साथ ही में हमने यह भी कल्पना की है स्वस्थ क्रमिक स्वस्थ भारत। स्वस्थ क्रमिक रहेगा तो भारत स्वस्थ रहेगा। और हमने मजदूरों को बहुत सारे जो अपने इंसेंटिव हैं जो सोशल सिक्योरिटी में उसमें लाए हैं। आयुष मंत्रालय ने भी किस तरह कोविड काल में अपनी भूमिका निभाई है उसे बखूबी दर्शाया गया है। हमें तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि हम देश के इतने बड़े गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। हमने जो इसमें कंसेप्ट लिया है वो इम्यून सिस्टम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आम आदमी अपना इम्यून कैसे बढ़ा सकता है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक। इसके अलावा सेना की भी 6 झांकियां राजपथ परेड में देश की सैन्य शक्ति को दर्शाएंगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। इंसान और श्वानों का संबंध बहुत पुराना है। देश भर में श्वानों की कितनी प्रजातियां पाली जाती हैं, इनके प्रदर्शन के लिए डॉग शो आयोजित होते रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन आज भिलाई में हुआ। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉग शो का शुभारंभ दुर्ग के IG विवेकानंद सिन्हा ने किया। इस शो में प्रदेश भर से करीब 200 लोगों ने अपने श्वान के साथ प्रतिभाग किया। इस शो में करीब 30 अलग अलग प्रजातियों के श्वान शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशोभन रॉय ने बताया कि इस आयोजन का मकसद श्वान की अहमियत बताने के साथ ही उनकी देखभाल के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है। इसमें करीब अपना स्टेट का तो सभी जगह से डॉग है, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, कुछ बाहर का डॉग भी आए, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किए। बहुत ही डिमांड था इस बार ये डॉग शो में, करीब 200 डॉग पार्टिसिपेट किए और करीब 30 वैरायटी ब्रीड, उसमें से सबसे अच्छा इस बार एक मुदुल हाउंड डॉग आए जो इंडियन ब्रीड है, जिसको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करने चाह रहा है आर्मी में। ये मुदल हाउंड बहुत फेमस हो गया कर्नाटका में और ये इंडियन ब्रीड का ये एडवांटेज है, इंडियन ब्रीड में बीमारी कम होते हैं और इसमें इंटेलिजेंसी भी प्रूफ हो गया, बहुत अटैकिंग है। बाकी बहुत सारा नया ब्रीड आ गया जो लोग को देखने मिल रहा है। डॉग शो में प्रशिक्षित श्वान ने कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। इसमें सशस्त्र सीमा बल का डॉग स्क्वाड भी शामिल हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने इस शो का आनंद लिया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई और यातायात जागरूकता के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। गौरव पथ पर न्याय सदन से शुरू हुई यह रैली इंदिरा मार्केट, रेलवे स्टेशन, विश्राम गृह होते हुए वापस न्याय सदन पहुंची। दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि यातायात जागरूकता शिविर में करीब 12,000 लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। यातायात
दुर्ग जिले में जो हम ट्रैफिक रूल्स को लेकर साक्षरता का शिविर आयोजित किए थे उसमें लगभग 12,000 लोग जो है जागरूक हुए हैं और उनसे हमने कम से कम 6,000 लोगों से बॉन्ड भी भरवाया है जो सड़क पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उनको हमने एक तरह से सावधान किया है कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए और उनसे बॉन्ड भरवाया है कि भविष्य में वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। वहीं राजनांदगांव में भी पुलिस विभाग ने बाइक रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने इस जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान पुलिस के जवानों ने शहर के सभी चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर और फ्लैक्स लगाकर यातायात नियमों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने बताया कि हेलमेट पहनकर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में जान का खतरा कम होता है। लगभग 60% चांसेस ऑफ डेथ जो है मृत्यु का कारण वो हेलमेट पहनने से बच सकते हैं क्योंकि सर बहुत ही डेलिकेट चीज़ रहता है, जहाँ पे भी वहाँ पे चोट लगने से ही ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होने का संभावना, तो इसीलिए हेलमेट हमेशा पहना रहे ताकि हमारा जो है ये पूरा अभियान में आप लोग भी भागीदार रहे। तो साथ ही साथ जो है जीवन रक्षा और सड़क सुरक्षा ये है इस साल का हमारा मोटो। हेलमेट जागरूकता के लिए निकली यह बाइक रैली एसपी कार्यालय से शुरू होकर जयस्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई चौक, सदर बाजार होते हुए वापस एसपी कार्यालय पहुंची। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। ये कार्यक्रम अपने 6 वर्ष पूरे कर चुका है। इस दौरान बालिकाओं के अधिकारों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने का बड़ा प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए कार्यों से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। किसी समय रायगढ़ जिले में प्रति 1,000 की आबादी में बालिकाओं की संख्या 800 से भी कम हुआ करती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू होने के 6 वर्षों में जिले का बालिका लिंगानुपात प्रति 1,000 पर 989 हो गया है। रायगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी टीके जाटवार ने बताया कि कन्या लिंगानुपात का अंतर पाटने के लिए सरकार, प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और समाजसेवी संगठन लगे हुए हैं। जिस समय ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2015 में, उस समय हमारे जिले का लिंगानुपात 918 था। विगत 5 वर्ष में हम लोग 964 तक पहुँचे हैं। अभी हमारा कोरोना काल के कारण से अभी कार्यक्रम हमारा प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी जो हमारा जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग 987 तक पहुँचे हैं। हालांकि MIS डाटा में अभी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये मार्च तक पूरा कवर हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में रायगढ़ जिला हमेशा आगे रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले को इसके लिए सम्मानित भी किया है। रायगढ़ में इस कार्यक्रम की सफलता का असर दिखने लगा है। यहां बालिकाएं खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। रायगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने कहा कि आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियों को हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए, और कोई भी क्षेत्र चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो या स्पोर्ट्स का ही क्षेत्र जिसमें बच्चियां कम रहती हैं, लेकिन उसमें भी आज वो आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और सबसे अच्छा लगता है जब उनके मम्मी पापा उनको सपोर्ट करते हैं और उनको आगे आने देते हैं। तो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ममता कौर ने कहा कि बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में बड़ा बदलाव आया है। लड़कियों के मतलब पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा आया है। बच्चियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं हर जगह, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरेट में हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे कोई भी आप जी कुछ भी ले लीजिए, सब में बच्चियाँ बहुत आगे जा रही हैं। समाज की सोच में बदलाव के बाद शहर से लेकर गांव तक की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। इस योजना से आसपास का परिवेश बदला है और बालिकाएं खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान जारी। अब तक 28,732 स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जा चुका टीका।
लघु वनोपजों की सरकारी खरीद के मामले में देश भर में अव्वल आया छत्तीसगढ़, अकेले 73% वनोपज खरीदा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य परेड में प्रदर्शित होंगी 32 झांकियां, छत्तीसगढ़ की झांकी भी रहेगी आकर्षण का केंद्र। और देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।